आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि गर्भ में जैसे ही बच्चा चिपकता है, यानी कि जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, वैसे ही एक बहुत ही आसान सा लक्षण है जो अगर आप ध्यान देंगे, जो मैं तरीका बताऊंगी, अगर आप वो चीज़ करेंगी तो आप आसानी से पता लगा लेंगी कि किस दिन आपका इम्प्लांटेशन हुआ है, अब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है। वो मेथड है टेम्परेचर मेथड। जैसे कि मैंने अपनी कई वीडियो में बताया भी है कि ओवुलेशन के सिम्टम में भी टेम्परेचर मेथड बहुत ही अच्छे से काम करता है, उसी तरह से इम्प्लांटेशन के टाइम पे भी टेम्परेचर से आप पता लगा सकती हैं कि अब आपका इम्प्लांटेशन हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पीरियड जैसे ही आपका ख़त्म होता है उसी दिन से आपको डेली जब आप रात में सोएं तो आप अपने पास एक पेन रख लीजिए, डायरी रख लीजिए और एक थर्मामीटर रख लीजिए। ये तीनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप जब रात में सोएं और सुबह जैसे ही आप उठें तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है। डेली आपको ऐसा करना है। तो जब आप ऐसा करेंगे पीरियड के बाद से, तो जिस दिन आपका ओवुलेशन होगा उस दिन भी आपको अपने टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा। तो जिस दिन ये चेंज दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि डेली आपका जो टेम्परेचर चला आ रहा है उससे 1-2 पॉइंट डिफरेंस हो सकता है, तो जिस दिन ऐसा होता है पीरियड के बाद से उस दिन तो समझ लीजिए आपका ओवुलेशन हुआ है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने उस बीच में इंटरकोर्स किया, उस 24 घंटे में इंटरकोर्स आपने किया और स्पर्म वहाँ तक पहुँच गया और स्पर्म ने जैसे ही एक को फर्टिलाइज किया, फिर उसके बाद से 2 से 3 दिन का समय लगता है उसको सेल्स में डेवलप होने के बाद धीरे धीरे वो आके आपके यूट्रस की दीवार से चिपकता है। तो उस जो 2-3 दिन का 4 दिन का जो प्रोसेस होता है उसके उस बीच में आपका बॉडी का टेम्परेचर पहले जैसा ही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो एम्ब्रो आके आपके यूट्रस की दीवार से चिपकेगा, यानी कि इम्प्लांटेशन होगा, वैसे ही आपके बॉडी के टेम्परेचर में थोड़ा सा डिप आएगा। जब आप डेली अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करती रहेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इस दिन टेम्परेचर में चेंज हुआ है और आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आज आपका इम्प्लांटेशन हो गया है। तो ये एक बहुत ही आसान लक्षण होता है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है ये कि बॉडी के टेम्परेचर से आप पता लगा सकती हैं कि इस दिन आपके बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं, ओवुलेशन वाले दिन भी और उसके बाद इम्प्लांटेशन वाले दिन भी, इसमें डिप आएगा, आपको पता चल जाएगा कि आज आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हुआ है तो उस दिन आपका इम्प्लांटेशन हुआ है। क्योंकि जैसे ही कोई भी नई चीज़ होती है बॉडी में, जैसे कि जैसे ही एग रिलीज होता है, ओवुलेशन होता है, वैसे ही बॉडी में थोड़ा चेंज होता है और वैसे ही टेम्परेचर में बदलाव होता है।